रबर बैंड लाइगेशन, सिंपल इजी टेक्निक, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, छोटे पाइल्स ग्रेड वन ग्रेड टू पाइल्स या फिर सिलेक्टेड ग्रेड थ्री पाइल्स जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन मेडिसिन डाइट से आपको आराम नहीं मिल रहा है और आपको सर्जरी भी नहीं करानी है, आपको कोई कारण से डर है और आपको सर्जरी नहीं कराना है, या फिर आपको थोड़ा सा अलग से एक बार कोशिश करनी है फिर भी ब्लीडिंग थम नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? रबर बैंड लाइगेशन इसका जवाब हो सकता है यदि आपके डॉक्टर आपको सुझाव करते हैं तो। दोस्तों रबर बैंड लाइगेशन में होता क्या है, एक बैंड है ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये बैंड हम पाइल्स के जो मस्सा है हिमरॉइड्स बवासीर इसके ऊपर हम उसको सक्शन लाइगेटर की मदद से इसको प्लेस कर देते हैं और ये बैंड वो मस्से पे लग जाता है। ये जो मस्सा पे जो बैंड लग गया है ये बैंड वो टाइटनेस के कारण उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देता है और ये ब्लड सप्लाई को रोकने की वजह से वो मस्सा सिकुड़ जाता है और आपको धीरे धीरे एक से दो हफ्ते में वो मस्सा गिर जाता है। जिधर वो गिर जाता है उधर एक घाव बन जाता है, अल्सर हो जाता है और जिधर अल्सर के जगह पे हीलिंग होता है और वो हीलिंग की वजह से उधर फाइब्रोसिस होता है और वो फाइब्रोसिस के कारण वो अल्सर के घाव की जगह पे जो होता है उसके कारण वो उधर मसल से अटैच हो जाता है जिसके कारण वापस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सक्सेस रेट 60-90% है, रिपीटेड सेशंस में कर सकते हैं, एडमिशन यानी एडमिट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पेन किलर्स आपको ऑपरेशन के बाद यानी ये प्रोसीजर के बाद देते हैं। यदि ब्लड थिनर चालू या इन्फेक्शन है तो शायद आपके डॉक्टर आपको शायद मना कर सकते हैं। रिकरेंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है यदि आपको एक्सटर्नल पाइल्स है, बाहर का कंपोनेंट है एक्सटर्नल कंपोनेंट है, या फिर आपके पाइल्स की साइज ज़्यादा है तो रबर बैंड लाइगेशन शायद आपके लिए इतना उपयोगी ना हो। इसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो है ब्लीडिंग और पेन, हल्का सा पेन काफ़ी सारे लोगों को रह सकता है, तो ये ओपीडी बेसिस पे होता है, इसमें कोई एडमिट नहीं करना रहता है, तो सिंपल पेन किलर्स है या फिर पैरासिटामोल एसिटामिनोफिन जो सिंपल पेन मेडिसिन है इससे भी पेशेंट रिलीफ ले सकता है। यदि कुछ लोगों को कभी कभार ऑपरेशन या फिर रबर बैंड लाइगेशन जिधर हुआ उधर से ब्लीडिंग हो सकता है, मामूली ब्लीडिंग अपने आप थम जाता है, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे केसेस में आपको वापस रिपीट कोई प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। अमेरिका में यानी यूएसए में रबर बैंड लाइगेशन मोस्ट कॉमन ओपीडी प्रोसीजर फॉर हिमरॉइड्स है दोस्तों, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, यदि आपको पाइल्स बवासीर की तकलीफ है और ये प्रोसीजर आपके डॉक्टर ने सुझाव दिया है तो हमारे वीडियो से आपको उम्मीद करता हूँ कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है रबर बैंड लाइगेशन के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपको, यदि आपको पाइल्स बवासीर फिशर फिशुला बगंदर हिमरॉइड्स की तकलीफ है तो हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रही। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रबर बैंड लाइगेशन के बारे में। आपको रबर बैंड लाइगेशन के बारे में और क्या क्वेश्चंस है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। धन्यवाद।